नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। आज है कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली सहित पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले आम चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत करने के लिए आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे तुमु, दीबांधा और बानपुर में रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय डाक विभाग आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर विशेष अभियान चलाएगा, ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक किसानों तक पहुँच सके और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना में कवर किया जा सके। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग होगी, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारतीय नौसेना में 1500 अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है, जहां 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। बिहार में आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, विजिबिलिटी कम रहेगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस पार्टी आज से भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में सागर से पहाड़ तक नाम से पैदल यात्रा निकालेगी, जो 24 परगना जिले के सागर द्वीप स्थित गंगा सागर से यात्रा की शुरुआत होगी और 23 जनवरी को दार्जिलिंग में समाप्त होगी। दिल्ली एनसीआर में आज से और बढ़ेगी ठंड। आईएमडी ने अलर्ट जारी कर कहा है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा रद्द करने के फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पहले ओबीसी को मिलेगा आरक्षण, फिर होंगे चुनाव, इसके लिए जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। बिहार के मधुबनी के कई थानों का इंटरनेट हुआ बंद, बकाया बिल न चुकाने के कारण काटा गया इंटरनेट, लेकिन पुलिस वाले बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप की तिजोरी काटकर 25 लाख रुपए के जेवर सहित नकदी ले उड़े चोर, जिसे खोजी कुत्ता भी सुराग निकालने में है नाकाम। खोजी कुत्तों को भी नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली के कल्याणपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची दिल्ली नगर निगम की टीम को आम आदमी पार्टी के पार्षद बंटी गौतम ने दी चेतावनी। कहा, 6 तारीख के बाद तुम्हें नौकरी करवाएंगे। टीम लौटी बैरंग वापस। पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जालंधर में बुलाई नए जिला अध्यक्षों की पहली बैठक, कई नए चेहरे हुए शामिल। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश की वजह से खराब हुई किसानों की फसल का मुआवजा दिलाने के लिए भरे गए फॉर्मों में ओवरराइटिंग करके धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां बीमा कंपनी, कृषि अधिकारी और 4 हल्का पटवारियों सहित 6 लोगों पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के नारसन विकास खंड क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उनके ससुर, जेठ, पति और देवर बैठक में पहुंच गए, जहां खंड विकास अधिकारी ने आपत्ति जताई, लेकिन ये लोग टस्से मस नहीं हुए। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने सख्ती दिखाते हुए इन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के खिलाफ, जहां संगठन के सब जोनल कमांडर अनूप उर्फ छोटू समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। उग्रवादियों के पास से पुलिस ने पिस्टल, देसी कट्टा, लेवी राशि और बाइक बेलेरो पर्चा समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी और उनके बेटे बहु सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जहां कर्नाटक के मैसूर में मंगलवार को दोपहर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वे मर्सिडीज से यात्रा कर रहे थे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रहलाद मोदी का मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी सड़क हादसा हुआ था। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने कैट का खटखटाया दरवाजा। कश्मीर घाटी से स्थानांतरण पर रोक लगाने वाले आदेश को दिया चुनौती। महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री अब्दुल सत्तार और उदय सामंत पर लगे जमीन आवंटन में अनियमितता के आरोप, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा।
राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया, जहां सभी जिला मुख्यालय पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर नारेबाजी की और गहलोत सरकार का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय महुआ में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जनसामान्य की समस्याओं को सुना गया और उसके निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आए कोर्ट के फैसले के बाद चढ़ा सियासी पारा। अखिलेश यादव बोले, आरक्षण बचाने को सुप्रीम कोर्ट जाएगी सप्पा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि श्री जायसवाल निर्लज्जता का पर्याय बन चुके हैं। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।